तो देखो ऑलरेडी बहुत सारे AEW के सुपरस्टार WWE के अंदर वापस आ रहे हैं। रिसेंटली रॉयल रंबल में ही एंड्राडे आ गए, लेकिन एंड्राडे के बाद भी WWE के अंदर दो और AEW टैलेंट आएंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक और बहुत मेजर चीज हमें जानने के लिए मिलेगी, बिकॉज हमारे ड्वेन जॉनसन द रॉक बन सकते हैं इस साल रेसलमेनिया के होस्ट। ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर है प्लान, और भी बहुत सारी अपडेट्स हमें जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ऑलरेडी AEW सुपरस्टार्स WWE में आ रहे हैं, लेकिन दो और सुपरस्टार्स आएंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें जानने के लिए मिलेगी। हम लोग मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की ट्रेड्स के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को शुरू करने वाला एक ऐसी चीज के साथ में जो कि शायद फैंस को नहीं याद होगी, लेकिन थोड़ा सा याद करवा देते हैं। आज दिन है 29 जनवरी 2024, और करीबन आज से कुछ साल पहले 2019 के अंदर हमारे डीन एम्ब्रोस AKA जो जॉन मॉक्सली हैं, WWE ने कंफर्म किया था कि वो कंपनी को लीव करेंगे, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू करने वाले हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तुम लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के सामने, यहां पर लिखा है भैया ब्रेकिंग, डीन एम्ब्रोस जॉनथन गुड विल नॉट बी रिन्यूइंग हिज कॉन्ट्रैक्ट विद WWE व्हेन इट एक्सपायर्स इन अप्रैल। स्टार्टिंग में सबको लगा था ये स्टोर लाइन है, WWE ऐसा नहीं करेगी, डीन एम्ब्रोस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन मॉक्सली के अलग ही मूड थे, वो WWE को छोड़ के गए। और करीबन मेरे हिसाब से 5-6 साल इस वाली चीज को पूरे गिने जाएंगे कि भैया इतना टाइम हो चुका है मॉक्सली को WWE से गए हुए, 6 साल के अराउंड टाइम बनता है। तो ये कुछ चीज है, मुझे लग नहीं रहा था कि मॉक्सली को जाना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जाना चाहिए था तो वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज इट्स ट्रिपल एच रेज्यूमे। बाकी ऑफ कोर्स मॉक्सली का डिसीजन है, रियली होप जहां पे भी जाए उनको जरूर सक्सेस मिलती हुई नजर आए, लेकिन मैं जॉन मॉक्सली का तो नहीं, लेकिन डीन एम्ब्रोस का बहुत बड़ा फैन था। अब बात हम लोग करते हैं दो और सुपरस्टार्स के बारे में जो कि AEW से WWE के अंदर आएंगे, और ये दो और सुपरस्टार है अलिस्टर ब्लैक एंड बर्डी मैथ्यूज या बर्डी मर्फी। यप सही सुन रहे हो, ऑलरेडी CM Punk, कोडी रोड्स और रिसेंटली एंड्राड, ये तीन सुपरस्टार आ चुके हैं। वुमेन्स डिवीजन में जेट कारगिल आ चुकी हैं। अब बात करें एलिस्टर ब्लैक और बर्डी मर्फी के बारे में, रिसेंट में डेव मेल्जर की तरफ से वाली अपडेट आई है सामने। मेल्जर ने यहां पर ये बात रिवील की कि जैसे ही बर्डी मैथ्यूज और जो मैलाकाई ब्लैक यानी कि हमारे जो एलिस्टर ब्लैक हैं वो दोनों के दोनों लीगली अनेबल हो जाएंगे, यानी कि भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो AEW के साथ खत्म हो जाएगा और उसमें ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं रहेगा कि वो दूसरी कंपनी में जा नहीं सकते हैं। जैसे ही ये चीज होगी, जैसे वो लोग लीगली वैलिड हो जाएंगे, ये दोनों WWE कंपनी के अंदर वापस आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल यही वो कुछ बात आई है सामने जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। बाकी देखो क्या होता आने वाला टाइम है, मुझे लगा ये कुछ चीज है जो कि बर्डी मर्फी और मैलाकाई ब्लैक के फैंस को पता होनी चाहिए। देखो मैं इनका फैन तो नहीं, लेकिन जब मैलाकाई ब्लैक थे ना WWE में तो वो लगता था NXT के अंदर एक अच्छा सुपरस्टार है। बर्डी मर्फी ऑफकोर्स एक बहुत टैलेंटेड बंदा, और तुमने देखा भी उनके रिंग टैलेंट, इन दोनों के आपस में मैचेस बहुत अच्छे खासे थे। तो आई रियली होप ट्रिपल एच इनको भी वापस लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये इवेंचुअली ना रोस्टर में डेप्थ बहुत ऐड करने वाले हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ, ये मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन के बारे में जुड़ी है। अब जो रॉ और स्मैकडाउन दोनों के दोनों चल रहे हैं, इसके अंदर ये तो होगा कि भाई अब आने वाले टाइम में रोड टू रेसलमेनिया में चेंजेस आते हैं, और इस बार चेंजेस ये आने वाले हैं कि जो WWE वाले वो क्या करेंगे, वो करने वाले हैं ट्रेड्स इन द सेंस रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन में और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स मंडे नाइट रॉ के अंदर। यप एकदम सही सुन रहे हो, रीसेंट टाइम में हुआ क्या, ये बात आई है सामने कि WWE कुछ ट्रेड्स करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में तुम्हें दिखाई देंगे। अब वो एलिमिनेशन चेंबर के पहले होंगे या फिर बाद में, ये बात क्लियर नहीं है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जे जिमी में से कोई एक इंसान दूसरी ब्रांड में जाएगा ताकि फ्यूड स्टार्ट हो सके। मान लो कोडी अगर रोमन को चैलेंज करते हो तो मे बी वो स्मैकडाउन में जाएंगे, ये जिसमें तुम लोग को एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। लेकिन ट्रेड्स होने वाले वो किसके होंगे ये तो आने वाले टाइम के अंदर हमें पता लगने ही वाला है। आज की जो हमारी सिंगल लास्ट अपडेट है वो गंथर एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। रिसेंट टाइम में इसको लेकर भी रेसलिंग वॉन की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, और यहाँ पर वॉन ने ये बात रिवील की है कि WWE ने ओरिजिनली गंथर वर्सेस ब्रॉक का मैच भी प्लान किया था। देखो ओरिजिनली प्लान ये थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ब्रॉक आते रॉयल रंबल के अंदर, रॉयल रंबल में डोमिनिक के हाथों फेंके जाते, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो फ्यूड करते डोमिनिक के साथ में, एक मैच में कंपीट करते, एंड इवेंचुअली फिर वो हेड करते रेसलमेनिया 40 के अंदर हमारे रिंग जर्नल गंथर का फेस करने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स अभी तक ये स्टेटस भी क्लियर नहीं है क्या WWE इस साल ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में कंपीट करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी, बिकॉज वही जो विंस मैकमैन का पूरा कांड चल रहा है जिसके अंदर अब ब्रॉक का नेम भी एड ऑन हुआ है। तो WWE नहीं चाहती कि जो ब्रॉक है वो एक रेपुटेटेड स्टार है, वो एक बहुत बड़े टैलेंट है राइट कंपनी के, तो वो इस वाली सिचुएशन के अंदर कंपनी में आए। इवन WWE यहां तक ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है कि हम उन्हें रेसलमेनिया में नहीं बुलाएंगे। तो अभी फिलहाल ये को सीन है हमारे ब्रॉक लेसनर एंड गंथर का। ऑफकोर्स ब्रॉक के ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगे, लेकिन बात यह है ना कि कुछ लोगों का माइंड सेट वो बन चुका होगा, अंटिल कोर्ट उसे प्रूव करे या फिर उस
पूरी तरीके से सही साबित हो। सो दैट्स व्हाई कंपनी नहीं चाहती आपके दिमाग में हल्का सा भी नेगेटिव इंपैक्ट आए हमारे ब्रॉक का। बाकी देखो क्या होता है, अभी फिलहाल यही कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। ब्रॉक गंथर प्लान तो था, अब होगा या फिर नहीं, अनसर्टेनिटी एकदम भयंकर वाली है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। पीपल्स चैंप द ड्वेन जॉनसन द रॉक के बारे में जुड़ी है। ये अलग ही पोपट हो गया, सभी को लग रहा था द रॉक आएंगे रॉयल रंबल के अंदर, रोमन कन्फ्रंट करेंगे, धांस वाली चीज होगी, फाइनली रोमन वर्सेस रॉक होगा। आज घंटा द रॉक की जगह कोडी रोड जीते रही दूसरी बार रॉयल रंबल मैच, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया रोमन रेंस को। लेकिन अब बात है द रॉक का क्या होने वाला है रेसलमीना के अंदर। तो रिसेंट टाइम के अंदर ये न्यूज जेरो न्यूज की तरफ से आई है सामने। जेरो न्यूज ने ये बात रिवील की है कि जो WWE वाले हैं वो शायद ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं कि द रॉक हमें होस्ट बनते हुए नजर आए रेसलमीना 40 के। एंड इवन सोर्स ने ये बात भी जेरो न्यूज ने कंफर्म की है कि WWE इसकी अनाउंसमेंट काफी ज्यादा जल्दी पब्लिकली करती हुई नजर आएगी। अब अगर द रॉक रेसलमीनिया के अंदर होस्ट बनते हैं तो ऑफ कोर्स वो बड़ी चीज होगी, बिकॉज रोमन रेंस उसी शो पे कंपीट करेंगे। और द रॉक अगर होस्ट बने तो कहीं ना कहीं चांस बनेगा कि वो ट्रिपल थ्रेड मैच के अंदर भी चीजों कन्वर्ट करते हुए नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल यही वो स्टेटस है हमारे ड्वेन जॉनसन का, हमारे पीपल चैंप का, कि वो बनेंगे रेसलमीनिया 40 के होस्ट। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, साथ ही में जाओ जो लोग ऑफ कोर्स चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।